नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। सीएनबीसी आवाज और एबिक्स कैश स्टूडियोज में आपका स्वागत है। और इस शो के जरिए हम आपकी ट्रेडिंग हो ये इन्वेस्टमेंट हो, उन तमाम क्वेश्चंस को करते हैं शामिल। और आज का मार्केट अपडेट तो आपको देंगे ही, साथ ही स्ट्रैटेजी समझेंगे कल के लिए। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आप इस शो के साथ कैसे एसोसिएट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उसके ज़रिए अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं तमाम डिटेल्स के साथ। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर यानी फेसबुक ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है, वहाँ भी अपने क्वेश्चंस आप हमें भेज सकते हैं। आज शो के दौरान हम आपके क्वेरीज को शामिल करेंगे और अगले आने वाले एपिसोड में भी उन क्वेरीज को रखेंगे। आज हमारे साथ आज के एक्सपर्ट मानस जायसवाल मौजूद रहेंगे आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज बाजार में क्या हुआ और सबसे इम्पोर्टेंट कि संस्थागत निवेशकों ने आज के सेशन में क्या किया है। तो आज हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और बड़ी गिरावट के साथ मार्केट की हुई है क्लोजिंग। हमने फ्राइडे को देखा था कि मार्केट अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड नहीं कर पाया था, आखिर में ऊपरी स्तरों से फिसल कर बंद हुआ था। लेकिन आज जहां खुला वहीं से धीरे धीरे मार्केट नीचे आता रहा और वो सेल ऑफ और इंटेंसिफाई हो गया आखिरी के एक घंटे में। ओमिक्रॉन वायरस की जो दहशत है उससे सेंसेक्स में 950 अंकों की गिरावट रही। निफ्टी भी ऑलमोस्ट 300 पॉइंट टूट गया। आज के कारोबार में बेयर्स इतना ज़्यादा हावी दिखे कि निफ्टी ने 17,000 और सेंसेक्स ने 57,000 का लेवल तोड़ दिया। निफ्टी बैंक में भी करीब 1.5% की गिरावट देखने को मिली। बीएससी के सभी सेक्टर्स लाल निशान में बंद हुए और सबसे ज़्यादा पिटाई आईटी, ऑटो और फार्मा स्टॉक्स की देखने को मिली। सेंसेक्स के सभी जो 30 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो गिरावट के साथ बंद हुए। बैंक निफ्टी के 12 के 12 कॉन्स्टिट्यूएंट्स फिसले। निफ्टी के 50 में से 49 शेयरों में बिकवाली आज के सत्र में हावी हुई। एफआईज लगातार बिकवाली के साइड रहे हैं, आज भी उन्होंने भर भर कर बेचा है। 3300 करोड़ की बिकवाली एफआईज की ओर से कैश मार्केट में हुई। डीआईज ने हालांकि एक बार फिर से खरीदारी की है डिप्स पर 1701 करोड़ की। आप कल के लिए क्या समीकरण बनते हुए दिख रहे हैं उस पर करते हैं बातचीत। मानस, आज इनफैक्ट विदेशी बाजारों से कोई ऐसे संकेत नहीं थे ड्यूरिंग द डे भी कि इतनी बड़ी बिकवाली हावी होती हुई दिखे, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि सेंटिमेंट्स इतने नेगेटिव हैं फिलहाल, मूड कॉशियस बना हुआ है कि जो भी तेजी या रिकवरी हम देखते हैं वो टिक नहीं रही है। अच्छा, अब लेवल्स के हिसाब से बताइए, 17,000 का लेवल तो हमने तोड़ा, आज वापस उसके नीचे बंद हुए, लेकिन अगर आप पिछले हफ्ते का मूव देखेंगे तो 16,800 से ही मार्केट में एक रिकवरी दिखी थी। तो क्या 16,800 अगला सपोर्ट आपको दिख रहा है और इन स्तरों से नीचे जाने की पॉसिबिलिटी भी दिख रही है डेटा या फिर चार्ट्स को रीड करें तो? नमस्कार दीपाली जी, देखिए वीकनेस तो ऑलरेडी मार्केट में है और हमने जो पुलबैक अभी दो दिन पहले देखा वो लास्ट सेशन में मतलब फ्राइडे को ही फिजल आउट हो गया था। निफ्टी अपना 50 डे और 20 डे मूविंग एवरेज क्रॉस नहीं कर पाया था और आज फिर से हमें फॉलोअप सेलिंग देखने को मिली। इस फॉलोअप सेलिंग में 100 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हो गया, निफ्टी उसके नीचे क्लोज हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि अगर हम क्लोजिंग बेस पे देखें तो ये सबसे निचले स्तर की क्लोजिंग है पिछले अगर हम एक से डेढ़ मंथ की बात कर ले तो। अब क्योंकि निफ्टी ने अपना 100 डे मूविंग एवरेज ब्रीच कर दिया है, उसके नीचे फिसला है, आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि निफ्टी कम से कम 16,400 और उसके नीचे शायद 16,200 के लेवल्स को भी टेस्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि 16,200 निफ्टी का 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। और देखिए इस वीकनेस का जो ड्राइवर है वो बैंकिंग क्षेत्र है, बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी में पहले भी हमने काफी ज्यादा गिरावट देखी थी, अगर 5-6 दिन पहले देखिए तो इसने 200 दिनों के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले लिया था, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर जाएगा, उसके नीचे फिसलेगा और उसके नीचे फिसलेगा तो 34,000 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो ध्यान रखिए यहाँ पर गिरावट बढ़ने के चांसेस ज्यादा है, कॉशियस रहने की जरूरत है और उछाल पे बिकवाली करने की ही सलाह रहेगी। ठीक है, तो उछाल पर बेचने की ही सलाह फिलहाल मार्केट में होनी चाहिए क्योंकि सेटअप थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है। चलिए अब क्वेरीज करते हैं शामिल और पहले कॉलर हमारे साथ संजीव हैं पंजाब से। संजीव जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपके। नमस्कार जी, मेरे पास दो शेयर्स हैं, एक TTML के, वो मैंने 2008 से लेना शुरू किया था और मेरे पास 600 शेयर्स हैं इस टाइम 28.5 की एवरेज पे, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें मैं आगे होल्ड करूँ या बेच दूँ। और है ट्राइडेंट का जो भी कुछ देर पहले मैंने 18 रुपए में खरीदे हैं, ये भी 600 शेयर हैं, इन दोनों पे मेरे को आपकी एडवाइस चाहिए। ठीक है,
ट्राइडेंट की अगर पहले बात करें तो 18 रुपए की आपकी खरीदारी है, लगातार अपर सर्किट छूकर इस स्टॉक ने काफी इन्वेस्टर्स का पैसा बनाया है और उसके बाद हमने वापस लोअर सर्किट भी लगते हुए देखे हैं स्टॉक में। अब सवाल यह है कि अभी तो इनको मुनाफा अच्छा हो रहा है ट्राइडेंट में, लेकिन मारा संस्कारों से रणनीति अब क्या होनी चाहिए? जो 28 रुपए का फायदा मिल रहा है इनको हर स्टॉक पर, ये लेकर निकल जाना चाहिए या एक स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को होल्ड कर ले, क्योंकि लोअर अपर सर्किट के बीच में ही घूम रहा है ये स्टॉक। देखिए, जब लोअर सर्किट और अपर सर्किट में ट्रेड करता है कोई भी स्टॉक, तो वहां पर आपको स्टॉप लॉस रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बहुत बार स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होते और लोअर सर्किट लगते चले जाते हैं, तो कॉशियस रहने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि बेहतर तो ये रहेगा कि थोड़ा उछाल मिले, थोड़ा और रिकवरी देखने को मिले, और तो 50 रुपए और 51 रुपए के आसपास कम से कम 50% तो प्रॉफिट जरूर बुक करें, और उसके बाद आप 44 के स्टॉप लॉस से अपनी पोजीशन बने रह सकते हैं। लेकिन मैं ये इसलिए एडवाइस कर रहा हूँ कि अगर आप वीकली चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर पिछली गिरावट में जो कि अभी 5-6 दिन पहले देखने को मिली, उसमें वीकली चार्ट पे एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है। इसलिए मेरा समझना है कि कॉशियस रहने की जरूरत है और उछाल पे अपने 50% प्रॉफिट बुक करें और 50% पे 44 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाएं। दूसरा टीटीएमएल पर भी बताइए। इनफैक्ट इन्होंने दोनों ही स्टॉक ऐसे चुने जो कि सर्किट टू सर्किट मूव करते हैं और जिन्होंने मालामाल बनाया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप देखिए टीटीएमएल 135-136 से बंद हुआ आज 5% के सर्किट पर, ये अगेन ये स्टॉक, आप बताइए इसमें क्या करना है? देखिए, ऐसे स्टॉक में तो स्ट्रेटेजी यही रहनी चाहिए कि आपको पहली चीज तो आपको ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है कि जब लो ऐसे स्टॉक में लोअर सर्किट लगना शुरू हो, लगातार 3 दिन सर्किट लग जाए लोअर, तो आपको कॉशियस हो जाना है, तब आपको निकलने की कोशिश होनी चाहिए, लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाना चाहिए। लेकिन क्योंकि अभी तक अपर सर्किट लग रहे हैं, मैं नहीं समझता कि बहुत परेशानी की बात है, आप बिल्कुल बने रहिए। स्टॉप लॉस को अगर आप चाहते हैं तो अपनी अपने अपनी बुक्स में एक स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 125 का, उसके नीचे अगर लोअर सर्किट लगना शुरू हो जाए तो अपनी पोजीशन से निकलने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो एक स्टॉप लॉस के साथ आप रखिए स्टॉक को और मॉनिटर कीजिए इसकी प्राइस मूवमेंट को, स्पेशली मार्केट का जिस तरह से माहौल चल रहा है उस बीच में। अगले कॉलर से बात करेंगे, पी शर्मा है लुधियाना से। शर्मा साहब नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार जी, मेरे पास 250 शेयर है एनएलसी इंडिया के। पूछिए सवाल। मैंने 70 रुपए के हिसाब से खरीदे थे, तो अभी क्या करना चाहिए? अभी तो काफी डाउन चल रहा है ये। ओके, एनएलसी इंडिया 70 की बाएंगे, हाँ तो थोड़ा नीचे है आपकी खरीदारी के भाव से, 11-12 रुपए 58 पर बंद हुआ है। आप इसको लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म का व्यू है? लिया तो लॉन्ग टर्म के व्यू से था, लेकिन अभी एकदम डाउन आना शुरू हो गया थोड़ा। ठीक है, लॉन्ग टर्म व्यू है तो मानस रखें स्टॉक को एक स्टॉप लॉस के साथ या कोई और सजेशन है एनएलसी इंडिया में? नहीं, मेरा सजेशन ये रहेगा कि लॉन्ग टर्म स्टॉक नहीं है जहां आप निवेश कर रहे हैं, बेहतर यही रहेगा कि उछाल मिले तो आप यहां से एग्जिट हो जाए। देखिए, पॉइंट ये है, जब भी आप लॉन्ग टर्म कोई स्टॉक में निवेश करें तो अपना स्टॉक का 200 वीक का मूविंग एवरेज ध्यान रखिए। अगर उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड करता रहे तब तो आप बिल्कुल बने रह सकते हैं, लेकिन अगर 200 वीक के मूविंग एवरेज के नीचे फिसल जाए तो आपको कॉशियस हो जाना चाहिए और उसके बाद आपको निकलने की कोशिश रहनी चाहिए। और वैसे भी अगर आप देखिए कैटलिस्टिक चार्ट में कोई लॉन्ग टर्म के लिए कोई ट्रेंड नहीं दिखता है, हालांकि 60 रुपए के आसपास एक ब्रेकआउट देखने को मिला था जिसके टारगेट 80 रुपए के आते हैं और एग्जैक्टली 80 रुपए के हाईज बने हैं, उसके बाद गिरावट शुरू हुई है, तो मेरे हिसाब से जब उछाल मिले तो स्टॉक से निकलने की कोशिश होनी चाहिए। ठीक है, अगले कॉलर से बात करते हैं, अमित है हमारे साथ, अमित कुमार पानीपत से। अमित गुड इवनिंग, पूछिए अपना क्वेश्चन। हाँ जी मैडम नमस्ते। हेलो, नमस्ते। हाँ जी मैडम, मैंने टाटा स्टील का 1347 हाँ जी टाटा स्टील 1347 पे बाय किया हुआ है, 12 क्वांटिटी मेरे पास है। ओके जी, और अभी मेरे को लॉन्ग टर्म व्यू है या आपका लंबी अवधि के लिए खरीदा आपने? हाँ लॉन्ग टर्म व्यू है मैडम मेरा, है ना? तो ठीक है, लॉन्ग टर्म व्यू है, 1347 की बाएंगे, 1108 पर कर रहा है ट्रेड, 1500-1550 के इसके इस रैली की हाईज हैं, वहां से मेटल्स में करेक्शन आई है, ये स्टॉक भी नीचे आया है। मानस खरीदारी तो ऊपर के भाव की है, लेकिन अगर व्यू लॉन्ग टर्म हो तो रखना चाहिए टाटा स्टील? देखिए, मेटल क्षेत्र में अगर कोई स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो उस लिस्ट में
मेरे हिसाब से तो पहला या दूसरा स्टॉक टाटा स्टील ही होता है, और जरूर स्टॉक करेक्ट हुआ है, 1500 रुपए से करेक्ट हुआ है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जो रैली थी वो हमने करीब 300 रुपए से देखी थी, 300 से लेकर 1500 रुपए तक की रैली देखी थी, तो उस हिसाब से करेक्शन भी थोड़ा डीप हुआ है। लेकिन चिंता की बात केवल इतनी है कि 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक फिसला हुआ है, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, बट फिर भी मैं समझता हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए है, तब ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आपको मौके जरूर मिलेंगे, आपको फिर से जब स्टॉक में रैली देखने को मिले और 1300-1350 तक के स्तर देखने को मिले तब वहां पर फिर से रिव्यू करिए, बट फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से 1040 के स्टॉप लॉस से स्टॉक में बने रहा जा सकता है। ठीक है, होल्ड कीजिए स्टॉक को आप। गुरुमुख तरणी देवस से हमारे साथ मौजूद है। गुरुमुख जी नमस्कार, बताइए आपके पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक शामिल है? जी मैम, मेरे पास SBI के शेयर हैं जो 500 रुपए की बाइंग पे हैं। ओके, 500 रुपए की बाइंग है आपकी और SBI 900 शेयर्स हैं, थोड़ा नीचे आप खरीदारी के भाव से, ये लंबी अवधि के लिए रखा या ट्रेडिंग के हिसाब से लिया था? तो मैम 3 से 4 महीने की मेरी कैपेसिटी है। मानस क्या सजेशन होगा SBI में 500 की बाइंग के हिसाब से? देखिए पहला काम करना है 450 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है, उसके नीचे फिसले तो पोजीशन से निकल जाए, क्योंकि उसके बाद गिरावट बढ़ सकती है और शायद स्टॉक अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज को टेस्ट करने की कोशिश करेगा जो कि 410 रुपए है, इसलिए 450 का स्टॉप लॉस रखिए, बने रहिए। देखिए जब बाउंस बैक देखने को मिले और 475-476 के लेवल ब्रीच हो जाए तब आप एक कंफर्ट जोन में आ जाएंगे, क्योंकि उसके बाद रैली फिर से रिज्यूम हो जाएगी और वापस हमें 525 तक के स्तर देखने को मिलेंगे, तो 450 के स्टॉप लॉस से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बने रहा जा सकता है।